हिमाचल प्रदेश भारत की सबसे खूबसूरत जगह है और इसे और खूबसूरत यहाँ की हसीन वादियाँ बनाती हैं और वो अनदेखी जगहें जिन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा होता है। हम अक्सर आपको हिमाचल की सबसे खूबसूरत जगहों के सफर पे लेके चलते हैं, तो इस वीडियो में भी आज हम आपको हिमाचल की एक ऐसी ही खूबसूरत जगह जिसका नाम खजियार है उसके सफर पे लेके चलेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है और वर्चुअल टूर के साथ साथ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। खजियार भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और एक बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। जी हाँ, 7 जुलाई 1992 में उस टाइम के स्विट्जरलैंड के वाइस चांसलर विली ब्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने खजियार के मैदानों को देखा तो उन्हें स्विट्जरलैंड के घास के मैदानों की याद आ गई, इसीलिए उन्होंने इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड कहा। और अगर आज भी आप खजियार जाएं तो आपको वहां पे बोर्ड मिल जाएंगे जहां पे खजियार से स्विट्जरलैंड का डिस्टेंस लिखा होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप खजियार कैसे आ सकते हैं। खजियार दिल्ली से लगभग 570 और पठानकोट से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो अगर आप दिल्ली से यहाँ आने का सोच रहे हैं, सबसे बेहतर ये रहेगा कि दिल्ली से आप पठानकोट या फिर धर्मशाला में गगल एयरपोर्ट तक की फ्लाइट ले सकते हैं और वहां से आपको डायरेक्ट टैक्सी डलहौजी लेके चली जाएगी और एक दो दिन डलहौजी की साइट सीइंग करने के बाद आप डलहौजी से खजियार का रास्ता ले सकते हैं जो कि काला टॉप सेंचुरी होके जाता है। डलहौजी से खजियार लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और इसे करने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का वक्त लग ही जाएगा। एंड ट्रस्टर्स गाइस, डलहौजी से खजियार का रास्ता हिमाचल के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है और क्योंकि ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होके जाता है तो अगर आप लकी रहे तो आपको क्या पता यहाँ पे जानवर भी दिख जाएं। खजियार का रास्ता थोड़ा पतला है तो आपको गाड़ी यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ड्राइव करनी होगी और अगर आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारा आपको सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे लोकल कैब रेंट कर लें। अगर आप हैं एक बजट ट्रैवलर तो आप दिल्ली मजनू का टीला से वॉल्वो बस धर्मशाला तक ले सकते हैं और धर्मशाला से आगे आप कैब या फिर धर्मशाला से आप शाहपुर तक की बस ले सकते हैं और वहीं से आप आगे डलहौजी तक की बस आपको मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं इस जगह को विजिट करने के बेस्ट टाइम की। यूं तो इस जगह को आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्दियों में बर्फ का आनंद लेना चाहते हैं तो दिसंबर जनवरी फरवरी आपके लिए सबसे बेहतरीन मंथ्स रहने वाले हैं। और अगर आप गर्मियों में मध्य भारत की गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मई और जून भी आपके लिए बहुत अच्छे मंथ्स रहने वाले हैं क्योंकि उस टाइम आपको यहाँ ग्रीनरी भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, अगर आप यहाँ जुलाई और अगस्त में आ रहे हैं क्योंकि उस टाइम मानसून और बारिशें शुरू हो जाती हैं तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप वेदर फोरकास्ट देखकर यहाँ आएं क्योंकि उस टाइम यहाँ थोड़े बहुत लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट हो जाते हैं। बाकी अगर आपको ऑफ बीट टूरिज्म पसंद है तो अक्टूबर नवंबर आपके लिए सबसे चीपेस्ट मंथ रहने वाले हैं, उस टाइम यहाँ होटल्स और हर चीज़ का टैरिफ आपको बहुत कम मिलेगा। हम लोगों को पर्सनली डलहौजी से खजियार पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लग गया क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हमें और भी स्लोली और केयरफुली ड्राइव करना पड़ा। लेकिन ट्रस्ट अस गाइस, खजियार की पहली झलक देखते ही आपको इस जगह से प्यार होने वाला है और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कुदरत अपने अंदर कितने ही खूबसूरत खजाने छुपाए बैठा है। खजियार में सबसे पहले ही आपको आई लव खजियार का बोर्ड देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप खूब सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। देवदार के पेड़ों के बीच में समतल मैदान और उनके बीच में खूबसूरत सी झील, ये नज़ारा स्क्रीन पे जितना खूबसूरत लग रहा है असली आंखों से ये नज़ारा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ सुबह जल्दी ही 8 बजे के आसपास पहुँच गए थे तो उस टाइम यहाँ पे बहुत ही कम पर्यटक थे,
तो यह जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। अगर आप जितना लेट करेंगे और जितना दिन को आएंगे, आपको ये मैदान उतने ही भरे दिखाई देंगे। समतल मैदान के एक छोर में आपको बहुत से रेस्टोरेंट दिखाई देंगे और उसी के साथ लगा है खाजी नाग मंदिर, जिस मंदिर के नाम पे खजियार का नाम पड़ा है। खजी नाग मंदिर नाग देवता को समर्पित है और इसे लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। पहाड़ी कला से बनाए गए इस मंदिर में आपको सभी 5 पांडवों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जैसे कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो अगर आप भी खजियार का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करिएगा और यहाँ पे माथा भी जरूर टेकिएगा। नाश्ता करने के बाद और मंदिर देखने के बाद आप इन खुले मैदानों में घूम सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे आए तो अपने साथ जो भी आप पैकेट या चिप्स यहाँ लाएं वो अपने ही बैग में साथ लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे फेंकने से ये जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है और हमें इस जगह को इस जनरेशन के लिए नहीं बल्कि अगली जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। खजियार के बीचों बीच आपको एक झील देखने को मिलेगी जो खजियार में लगभग 4 चांद लगा देती है और आपके ट्रिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। झील को घूमने के बाद आप खजियार मैदान का एक चक्कर लगा सकते हैं और इस मैदान के हर एक कोने में आपको कुछ ना कुछ अलग सी चीज़ देखने को मिलेगी। कई जगह आपको पार्क्स मिल जाएंगे तो कई जगह बैठ के आप 2 पल शांति के बिता सकते हैं। खजियार के एक ऐसे ही कोने में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का कॉटेज, जिसको आप प्री बुक कर सकते हैं और यहाँ पे रहना तो अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके आसपास कोई भी और कॉटेज या होटल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 रूम्स हैं और वो पहले ही आपको प्री बुक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खजियार और डलहौजी, तो अगर आप यहाँ का ट्रिप प्लान करें तो फर्स्ट डे आप डलहौजी विजिट करें। डलहौजी घूमने में आपको 1-2 दिन का वक्त लगेगा। उसके बाद थर्ड डे आप स्पेयर रखें खजियार के लिए और शाम होते होते आप खजियार से चंबा जा सकते हैं या फिर खजियार भी एक रात बिता सकते हैं और चंबा के लिए आप 1 दिन रख सकते हैं और उसके बाद आप सीधे पठानकोट से दिल्ली की बस या फिर फ्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत सफ़र खजियार का। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और अगर अभी भी आपके मन में खजियार, चंबा और डलहौजी को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी का आंसर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।